वेलकम बच्चों, मैं रागिनी गर्ग आपका इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मैं कक्षा 12वीं क्लास का राजनीति शास्त्र का अध्ययन कराऊंगी। बच्चों, अपन सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस पाठ्यक्रम पर नज़र डालें, क्योंकि अभी एनसीईआरटी की बुक्स लग रही है आपको, तो इसमें जो इकाई है थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हैं। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर, ये अभी इकाई 1 है। और अगर आपके पास पुरानी पुस्तक है तो ये इकाई 6 का लास्ट चैप्टर है। तो थोड़ा सा अगर आपके पास पुरानी पुस्तक है तो आप कंफ्यूज ना हो, उसमें इकाई 6 में शीत युद्ध का दौर आपको मिल जाएगा। ये आप स्क्रीन पे जो पिक्चर देख रहे हैं शीत युद्ध, थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूँगी आपको कि शीत युद्ध है क्या। बच्चों, युद्ध से तो आपको पता है, युद्ध का मतलब होता है लड़ाई, और शीत का मतलब होता है ठंडा। तो ये एक ठंडा युद्ध था, इसको इंग्लिश में कोल्ड वार भी कहते हैं। इसमें किसी तरह की हत्या नहीं हुई, ना रक्तपात हुआ, और यह एक ऐसा युद्ध है जो शस्त्रों से ना होकर मानव मस्तिष्क से किया गया। यह दो देशों के बीच में हुआ था, अमेरिका जो पूंजीवादी देश था और दूसरा सोवियत संघ जो समाजवादी था। ये दोनों देश अपने आप को शक्तिशाली और मजबूत बनाने के लिए ही ये युद्ध शुरू हुआ। अब अपन आगे बढ़ते हैं। शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध का आशय राष्ट्रों के मध्य तनाव से है, जिसमें प्रत्येक पक्ष ऐसी नीति अपनाता है जिसका उद्देश्य स्वयं को मजबूत करना और दूसरे पक्ष को कमजोर करना होता है। बस इसमें वास्तविक युद्ध का अभाव होता है। दो महाशक्तियां जैसे अमेरिका एवं सोवियत संघ विश्व के अधिकांश राज्यों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही थीं। और विश्व युद्ध लगभग 45 वर्ष चला। यह 1945 से लेकर 1990 तक चला। अब इससे संबंधित बच्चों कुछ अपन परिभाषाएं देख लेंगे। फ्लेमिंग के अनुसार यह एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क से लड़ा जाता है, तथा इसके द्वारा विचारों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। दूसरी परिभाषा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार, शीत युद्ध पुरातन शक्ति के संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो महाशक्तियों का आपसी संघर्ष है। के विषय में अपन जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध की प्रकृति के संबंध में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अपनी प्रकृति को विकसित करने के लिए सफल रहा। वैसे भी 5वें दशक में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से इसकी प्रकृति दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के रूप में उभर कर आई थी। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से शस्त्रीकरण, हस्तक्षेप, जासूसी, वैज्ञानिक बराबरी का निरंतर प्रयोग होता रहा। कहीं कहीं कुछ स्थानों पर सैनिक कार्यवाही, नाकाबंदी एवं चुनौती इसके अनिवार्य अंग बन गए थे। यह वास्तव में युद्ध न होकर ऐसी स्थिति का निर्माण करता है जिसमें अशांति, तनाव, संघर्ष आदि राजनीतिक रूप से होते रहते हैं। इस शीत युद्ध के दौरान ही दोनों विचारधाराओं वाली महाशक्तियों ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने अपने प्रभाव या खेमे में शामिल करने के लिए हथियार, आर्थिक सहायता स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराई गई थी। यही नहीं, सामूहिक सुरक्षा प्रणाली को अपनाते हुए सैनिक संधियां, क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण भी तीव्र गति से किया गया था। अब आता है शीत युद्ध की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है शीत युद्ध दो सिद्धांतों का नहीं अपितु दो महाशक्तियों, जैसे बताया गया है महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य सर्वोच्चता प्राप्त करने का संघर्ष है। दूसरा, शीत युद्ध में बदले की भावना सर्वोपरि रही। है शीत युद्ध पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ विचारधाराओं का समावेश लिए हुए था, जिसमें सीधा संपर्क
जिसमें सीधा संपर्क साधा जाता है। चौथा, इसमें जासूसी, गुप्त समझौते, प्रादेशिक गठबंधन, सैनिक संधियां स्थापित कर शक्ति का प्रसार करना सर्वोपरि था। यह युद्ध के नरसंहारक दुष्परिणामों से बचते हुए युद्ध द्वारा प्राप्त होने वाले उद्देश्य के लिए चलाया जाने वाला नूतन शस्त्र था। यह गर्म युद्ध से भी भयानक युद्ध था, जो मानवों के चिंतन, भावनाओं एवं मनोयोगों पर विपरीत प्रभाव डालते हुए अशिष्ट एवं असंभव आचरण को जन्म देता था। अब आगे बढ़ते हैं शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध होने के दो कारण थे, पहला सामान्य कारण और दूसरा तात्कालिक कारण। सामान्य कारण में भी चार पांच प्रकार के कारण हैं, जिन्हें बताती हूँ। पहला, संघर्षों की अनिवार्यता। संघर्ष ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करने वाली प्रारंभिक इकाई है। संघर्ष स्थायी है, परंतु विवाद कभी कभी उत्पन्न होते हैं और उनका समाधान भी कर लिया जाता है। दूसरा कारण है विचारधाराओं का टकराव। अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य वैचारिक मतभेद के कारण ही शीत युद्ध हुआ। तीसरा है पारस्परिक संदेह। शीत युद्ध को जन्म देने से सोवियत संघ और पश्चिमी राष्ट्रों के मध्य संदेह और अविश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो शीत युद्ध का मुख्य कारण था। चौथा है विजित प्रदेशों में नियंत्रण की इच्छा। जैसा कि अक्सर होता है, कुछ राष्ट्र अपने हित और स्वार्थ के कारण प्रतिद्वंदी राष्ट्र से लड़ते हैं, और जब वे जीत जाते हैं तब विजित प्रदेशों पर अपने अधिकार और प्रभुत्व को लेकर उनसे मतभेद उत्पन्न करते हैं। पांचवा है परस्पर विरोधी प्रचार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों पक्षों द्वारा किए गए प्रचार अभियान को भी शीत युद्ध का मुख्य कारण माना जाता है। अब दूसरा कारण है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण के अंतर्गत जो कारण आते हैं अपन उनको देखते हैं। पहला, पूर्वीय यूरोप का सोवियतीकरण। सोवियत संघ और पश्चिमी राष्ट्रों के मध्य विभेद का यह प्रमुख कारण था, क्योंकि सोवियत संघ में याल्टा और वास्कन समझौते में किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया था, जो शीत युद्ध का कारण बना। दूसरा है रूस द्वारा ईरान में सेना वापस बुलाने से इनकार कर दिया। जब 1942 में हुए एक समझौते के तहत जर्मनी के समर्पण के उपरांत मित्र राष्ट्रों को 6 माह के भीतर अपनी सेनाएं वापस बुलानी थी, किंतु ईरान ने अपनी सेनाएं वापस लेने से इनकार कर दिया, जो शीत युद्ध का प्रमुख कारण बना। तीसरा है पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा सोवियत संघ को अपर्याप्त सहायता। युद्ध के दौरान सोवियत संघ का यह आरोप था कि पश्चिमी राष्ट्रों ने उसकी सहायता नहीं करी, जो शीत युद्ध का कारण बना। चौथा, अणु बम की जानकारी गोपनीय रखना। अमेरिका ने अणु बम की तकनीक को सोवियत संघ से गोपनीय रखा। सन 1945 में हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा अणु बम गिराए जाने की घटना को यह एक चेतावनी के रूप में देखता है, जो शीत युद्ध का कारण। पांचवा, जर्मन के विरुद्ध द्वितीय मोर्चा खोलने में विलंब करना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेनाएं सोवियत भूमि पर काफी अंदर तक घुस गई थी। ऐसी विलंबकारी चाल से सोवियत संघ में अमेरिका और ब्रिटेन के प्रति भय के भाव उत्पन्न हो गए थे, जो कि शीत युद्ध के प्रमुख कारण थे। अब अपन देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला है द्विध्रुवीय विश्व राजनीति। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ ने विश्व पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की और दो खेमों की स्थापना की। यह निरंतर प्रयासरत रहे कि अधिक से अधिक देश
अपने खेमे में समाहित कर ले और ज्यादा शक्तिशाली बन जाए। दूसरा है शस्त्रों की होड़। युद्ध में शस्त्रों की होड़ थी, इस युद्ध में शस्त्रों की होड़ को जन्म दिया। अपना प्रभाव बनाने के लिए दोनों महाशक्तियों ने नित नए नए हथियारों का आविष्कार किया। तीसरा, सैनिक एवं प्रादेशिक संगठनों का दबाव। शीत युद्ध में राजनीति के चलते अनेक सैनिक एवं प्रादेशिक संगठनों का उदय हुआ। पश्चिमी गुट के द्वारा नाटो, सीटो और सैनिकों की स्थापना की गई। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अभ्युदय। शीत युद्ध विश्व में अनेक राष्ट्र ऐसे भी रहे जो दोनों गुटों में किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्होंने हाल ही में, क्योंकि उन्हें हाल ही में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और वे गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करते रहे। पांचवा, विश्व में राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देना। शीत युद्ध में विश्व में राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा दिया। विश्व के अनेक भागों में अपने राजनीतिक एवं आर्थिक स्वार्थों के चलते महाशक्तियों ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर वहां की मौजूदा सरकार को बदलने का सफल एवं असफल प्रयास किया। शीत युद्ध लगभग 45 वर्ष चला और इसके बताते हैं कि ये कम से कम 7-8 चरणों में शीत युद्ध हुआ। तो शीत युद्ध का ये विकास है। पहला चरण सन 1945 से लेकर 1949 तक रहा। शीत युद्ध का दूसरा चरण सन 1950 से 1953 तक रहा। शीत युद्ध का तीसरा चरण सन 1953 से 1958 तक। चौथा चरण सन 1959 से 1962 तक। पांचवा चरण सन 1963 से 1969 तक। और छठवा, शीत युद्ध के ह्रास व तनाव शैथिल्यकरण के द्वारा यह युद्ध हुआ जो सन 1970 से 1979 तक रहा। सातवा, नव शीत युद्ध काल के नाम से जाना जाता है जो सन 1979 से लेकर 1989 तक रहा। आठवा, शीत युद्ध का विलोपन काल, ये आखिरी काल है, इसमें शीत युद्ध समाप्त हो गया था जो सन 1989 से 1990 तक रहा। समस्या हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको डालें।